कस्बा भरुआ सुमेरपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बड़े ही उत्साह से मनाई गई। 23 जून उस राजनीतिक समाजसेवी जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के प्रेरक चीन के पद चिन्हों पर चलकर भाजपा शून्य से शिखर पर है ऐसे महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि जिसमें भारत में आज़ादी के बाद पहली बार सुनी गई। सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि भारत में दो संविधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, धारा 370 जम्मू कश्मीर में नहीं लगनी चाहिए। 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 को साकार किया, देश में सिरमौर कश्मीर को आज़ाद कराने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस 23 जून को विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के प्रत्येक बूथ तक मनाई गई। भाजपा के नेता राजेश सहारा जी, सुनीता शिवहरे मंडल मंत्री, अरिमरुण सिंह मंडल अध्यक्ष, रामचंद्र शर्मा महामंत्री, पश्चिमी सचिन सिंगर सुवासा, आशीष गुप्ता महामंत्री, पूर्वी सुमेरपुर रवि गुप्ता, सड़क चंदेल, अरविंद भाई जी, श्याम जी महामंत्री, पवन सैनी, संकल्प राज, ओंकार सिंह, सुनील सिंह गौतम बड़े ही अच्छे ढंग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई। 1953 में आज ही के दिन श्रीनगर में इनका देहावसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के पितामह के नाते इनका यह कहना था कि इस देश में एक विधान और दो निशान नहीं हो सकते। श्रीनगर को और कश्मीर को जहां अलग मुल्क घोषित किया गया था, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि हमारे देश में एक ही विधान होगा, एक ही संविधान होगा और एक ही निशान होगा। अलग निशान चलेगा, अलग झंडा चलेगा।